सेक्शन बी सॉल्व करना है सभी को। पूछो नहीं बेटा, आप कैमरे की नज़र में हैं। और सक्सेना तुम नहीं लिख रहे हो बेटा? हाँ लिखते नजर आओ, बैठे नहीं आओ, इधर तो मत देखो। दिवाकरण भास्कर इधर बैठ के बैठो, दिखो कैमरे की नज़र में। हाँ लिखे रहो। पीछे क्यों पेज पलट रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? बने पोस्टर ठे ठे ठे। ये होनहार लड़के लिख रहे हैं, पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 2014 कर रहे हो ना? 2014 सेट 7 EN। हाँ बहुत बढ़िया। सेक्शन बी, चलो आ जाओ लेके आओ, जितना लिखे उतना दिखाओगे। चलो आ जाओ जल्दी आओ, फटाक से ले आओ छोटू, अनसार्ड भी लेके आओ, देखे क्या लिखा तुमने। रखो यहाँ पे, पहला क्या किया तुमने है, सेक्शन बी क्या किया है, रीऑर्डर है। क्या लिखा हुआ है कि एडवाइज ही ब्रदर हिज टेक टू केयर हिज हेल्थ ऑफ, क्या बनाया है? ही एडवाइज टू हिज ब्रदर टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। ही एडवाइज टू हिज ब्रदर टू टेक, ही एडवाइज टू हिज ब्रदर टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। भाई तो दो नंबर तो आए तो बनते हैं, ठीक है। चलो तुम तो लेकर के इसको रखा है दो। दूसरा क्या है, रुको एक मिनट, सेक्शन बी 10 का सेकेंड, ही सेटिस्फाइड एवरीबडी। सर एवरीबडी वाज कहाँ बनाया है, एवरीबडी वाज सेटिस्फाइड बाय हिम, बाय हिम नहीं होता, सेटिस्फाइड के साथ क्या लगता है, विद, ठीक है, सरप्राइज्ड के साथ एट, सेटिस्फाइड के साथ विद। तो बेटा क्या हो जाएगा, ही एवरीबडी वॉज सेटिस्फाइड विद हिम, ठीक है। ये गलत आपका है, और प्रयास करो, आओ निकल के आओ जल्दी। हाँ बताओ तीसरा क्या है, डायरेक्ट डायरेक्ट है ना, क्या लिखा हुआ है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वाई हैव यू नॉट कम्प्लीटिंग होमवर्क, यही है क्या, वाई हैव यू नॉट कम्प्लीटेड योर होमवर्क, क्या लिखा है, कम्प्लीटेड योर होमवर्क है ना। चलो बताओ क्या बनाया तुमने, कहाँ है बताओ बेटा, कहाँ बनाया है, हटो देखें। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स वाई दे हैड फिर क्या लिखा, नॉट लिखा है, है? तो यहाँ पर जो तुम्हारा है यहाँ पर हो जाएगा दे हैड नॉट कम्प्लीटेड, देम के स्थान पर हो जाएगा THEIR दियर होमवर्क, ठीक है। और मेहनत करो, अभी तो शुरुआत है बेटा, मुस्कुराओ के बाद में। चलो आओ देवराज सिंह इधर आ जाओ, इधर ही आ जाओ। फिल इन द ब्लैंक्स, टेंथ के फोर्थ का है, फिल इन द ब्लैंक्स। माय फादर विल गो होम व्हेन रेन स्टॉप्स, व्हेन द रेन स्टॉप्स, कहाँ बनाया है ये सर जी। तो कहाँ पे है, हाँ ये ना, माय फादर, तो ये अंडरलाइन करो, When the rain stops, सही है, stops होगा, ठीक है। एक बात समझ लो बेटा, complete sentence में, अगर complete the sentence में कोई वाक्य future में होता है, तो दूसरा वाला वाक्य बेटा कहाँ बनेगा, present के indefinite में बनेगा। अगर कोई present के indefinite पहला वाक्य होता है, तो दूसरा वाला वाक्य कहाँ बनेगा, future में, ठीक है, clear? चलो जाओ। हाँ बेटा दो नंबर तुम्हें मिल गए, अपने ये मार्कशीट पे सजा लो जा करके, दो नंबर, ठीक है, ठीक है। मुस्कुराइए कि आप सीतापुर में हैं ये, हाँ बेटा पेन भी ले जाओ, बुक भी ले जाओ, आओ जल्दी आओ फटाक से। अगला है, हाँ 11 नंबर का है, देखो 11 नंबर में क्या लिखा हुआ, ही हैज बीन चार्ज्ड, बेटा बोलो नहीं, चार्ज के साथ क्या लगाया तुमने, चार्ज ऑफ,
वेरी गुड, ये दो नंबर तुम्हारे भी चार्ज आप ही लगेगा, सही है, जाओ आप बेटा इधर निकल के आ भाई, बताओ बेटा क्या संडे तुमने बनाया है, कहाँ बनाया है? चार्ज फॉर नहीं हो, चार्ज ऑफ होता है, ठीक है? देखो जो तुम समझ लो बेटा, इस सेंटेंस को उतारो जरा, जो सेंटेंस कह रहा है ही कहाँ पर है, ही इज वर्किंग हार्ड लेस्ट, ही इज वर्किंग, लाओ हम बता दें, देखो बेटा सब लोग पेन लाओ, जैसे लिखा हुआ है ही इज वर्किंग W O R K I N G वर्किंग हार्ड, यही तो है, ही इज वर्किंग हार्ड लेस्ट। देखो जैसे कंजक्शन के तौर पर लेस्ट बेटा आ जाए तो लेस्ट के साथ एक हेल्पिंग वर्ब होती है जिसको मॉडल हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग करते हैं, लेकिन शुड का प्रयोग करने से पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, ठीक है ना? तो ही इज वर्किंग हार्ड लेस्ट, लेस्ट के बाद हो जाएगा ही शुड, ठीक है, फेल, समझो लेस्ट का मीनिंग निगेटिव होता है, कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट की मीनिंग क्या हो जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि, ठीक है? ही इज वर्किंग हार्ड, वह कठिन परिश्रम कर रहा है, लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो कि ही शुड फेल, कि वह असफल हो जाए, नहीं समझ पाए? हाँ क्लियर है यहाँ तक की? ठीक है, आप बेटा सक्सेना, सक्सेना आ जाओ, और तुम भी आ जाओ भूपेश, हाँ इधर आओ, उधर पीछे निकल के आओ, सक्सेना जल्दी आओ, ए हाँ कौन सा सक्सेना तुमने सॉल्व किया है, तुम यही कंप्लीट सेंटेंस तुमने कहाँ लिखा दिखाओ, हाँ दे पिता नहीं, हाँ बहुत बढ़िया, ही इज वर्किंग हार्ड लेस्ट, बेटा यू यहाँ पर होगा ही शुड फेल, ठीक है, जो सब्जेक्ट होगा उसी को तो लिखोगे, अपने आप मुंह लगा उठा के थोड़ी ना बना दोगे, स्पेलिंग बताओ गिल्टी की स्पेलिंग क्या लिखी है, मान गए, गिल्टी की स्पेलिंग क्या होती बताओ, जी यू आई एल टी वाई, देखो ये है, ये होगी स्पेलिंग, ठीक है, जी यू आई एल टी वाई, ठीक है, ठीक है समझे, जाओ मेरा दौर, अरे अपराधी दोषी सब होता है। अगला क्या है बेटा, मना कर रहे हैं बोलने के लिए, अगर उठ गया तो फिर चिपका देंगे दोनों लोग को, इस बार सुनो सीरियस, बताइए पंचुएशन करिए, कहाँ किया पंचुएशन, देखिए पंचुएशन में कह रहा है, ध्यान सब लोग देखो, कह रहा है पंचुएशन में, माई फादर सेड टू रमेश यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडेज, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको करना क्या है, माय फादर सेड टू रमेश, रमेश के बाद कॉमा लगा देना है, रमेश का आर कैपिटल लिख देना है, पहला अक्षर जो होता है वो भी कैपिटल होता है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा चालू, यू का वाई कैपिटल हो जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप और इनवर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा, क्लियर है? तो ये भी तुम्हारे भी दो नंबर भैया बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अगला बताओ रजनीशी, तुमने ये पहला सेंटेंस बताओ, ईश्वर चंद, देखो स्टोरी में सब लोग ध्यान दो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे, ईश्वर चंद विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे, क्या बनाया है, ईश्वर चंद विद्यासागर इज अ ग्रेट टीचर, ग्रेट टीचर या इज अ वाइज टीचर, अब यहाँ पर इज होगा कि वाज होगा हमको ये बताओ, क्यों वाज होगा, क्योंकि थे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ईश्वर चंद विद्यासागर इज जहाँ पर आप बोल रहे हैं वो गलत है, वहां पर क्या हो जाएगा वाज, तो ईश्वर चंद विद्यासागर वाज अ वाइज टीचर, वाज अ एबल टीचर, वाज अ इंटेलिजेंट टीचर, ठीक है, इस प्रकार से आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जब था होगा तो वाज लगेगा और हा होगा तो इज एम आर में से कुछ ही लगेगी, क्लियर है? जाइए भैया, देखो बेटा लिखा हुआ है कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे, तो क्या होगा बताओ, हाँ बताओ, रुको, हाँ बोलो, उनके पास आते थे ना, तो मेनी स्टूडेंट्स यूज टू कम, ठीक है, चाहे लिखो मेनी स्टूडेंट्स यूज टू कम टू स्टडी टू हिम, या मेनी स्टूडेंट्स यूज टू कम टू हिम फॉर स्टडी,
ठीक है, ठीक। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, हाँ तुम बताओगे। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एक व्याकरण की पुस्तक लिखी, बताओ। फॉर द हेल्प ऑफ स्टूडेंट, ठीक। अगला लिखा है उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक काम किए, बताओ तुम बताओ। सेट है, चलो बता बेटा, बोलो बोलो तुम बताओ, कौन बताएगा। हाँ बताओ, हाँ उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक काम किए, तो ही डिड मेनी वर्क्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन, या फॉर द डेवलप ऑफ एजुकेशन, या इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन, कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। एक चीज और समझ लो, जो 30 नंबर का देखो क्या लिखा है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट टू ज्वाइन अनदर इंस्टीट्यूट। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट के स्थान पर हो सकता है वो आपसे कह दे TCT.C. तो TC में घबराने की बात नहीं, TC को ट्रेन वाला TCUTT नहीं हो जाएगा, स्कूल वाला ही रहेगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोला जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें खाली दो तीन चीजें बात ध्यान देना कि जब शुरुआत में आप कोई भी चीज़ लिखेंगे तो जो चीज़ पंचुएटेड है, जो चीज़ फुल स्टॉप या कॉमा कैपिटल लेटर वाली है, उसको आप बहुत ठीक तरीके से जज करेंगे। क्या लिखेंगे, टू के बाद कॉमा, फिर थोड़ा गैप देकर के नई लाइन से क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल। हो सकता है आपके ये दे दे क्लास टीचर के लिए एप्लीकेशन दे दे, या हेड मिस्ट्रेस के लिए एप्लीकेशन दे दे, तो जो टाइटल में होगा आप वही लिखेंगे। ये ना हो कि आपने याद कौन सी की है, टू द प्रिंसिपल फ्रॉम फलाना धमाका और सफरिंग फॉर फीवर, छुट्टी 4 दिन की। तो 4 दिन की छुट्टी वाली एप्लीकेशन, 7 दिन की छुट्टी वाली एप्लीकेशन, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन, जैसी वो एप्लीकेशन आपको कहेगा आप वैसी लिखेंगे। आपने जो रट रखी एप्लीकेशन है आपको वो नहीं लिखना है। हो सकता है आपने रटा हो 4 दिन छुट्टी के लिए और उसको दे दे आपको 7 दिन छुट्टी के लिए, तो आप क्या करेंगे वहाँ पर गलत कर देंगे। और एप्लीकेशन का मैटर जो होगा बेटा, वो आप क्वेश्चन से ही अडॉप्ट करेंगे, अपने आप अडॉप्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन में लिखा होगा आप उसी को वैसे ही क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। दिवाकर जुकाम हो गया बेटा, दवा लेते रहो। और कोई डाउट किसी को है, ठीक है, ओके।